हेलो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, वो कौन से एग्जाम में वैलिड है। देखिए, दो प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, दो प्रकार के जाति प्रमाण पत्र होते हैं। एक होता है सेंट्रल लेवल का और एक होता है स्टेट लेवल का। वो जो सेंट्रल लेवल का होगा, वो सेंट्रल की जितनी भी जॉब्स होंगी ना, उन सभी में वैलिड होगा। वो जो स्टेट वाला होगा, वो स्टेट वाला केवल और केवल आपके स्टेट में ही वैलिड होगा। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी DSSSB को लेकर, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कमेंट किया था कि क्या हम दिल्ली की जॉब में भी रिजर्व हैं। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं दिल्ली की जॉब में रिजर्व हूँ या नहीं, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ वैलिड है या नहीं। नहीं बच्चा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली में वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको यूपी में ऑलरेडी वैलिडेशन दी गई है आपके सर्टिफिकेट को। इसलिए आप दिल्ली में काउंट किए जाएंगे जनरल कैटेगरी में ही, और यूपी में काउंट किए जाएंगे जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है चेतन। बाय बाय, टेक केयर।